और अब आपको बताएं कि वॉल्ट सिटी प्लान को भी एलडीए मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला किया गया है। वॉल्ट सिटी प्लान के तहत अंदरून शहर में रिहायशी और कमर्शियल इलाके अलग कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं जैनुलाबेदीन से। जैन, बताया गया इस हवाले से वॉल्ट सिटी प्लान को भी एलडीए मास्टर प्लान में तब्दील करने का फैसला किया गया है। वॉल्ट सिटी प्लान के तहत अंदरून शहर में रहायशी और कमर्शियल इलाके अलग अलग कर दिए जाएंगे। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी ने प्लान को फाइनल ड्राफ्ट भी एलडीए को जमा करवा दिया है। वॉल्ट सिटी प्लान को भी एलडीए मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि वॉल्ट सिटी प्लान के तहत अंदरून शहर में रिहायशी और कमर्शियल इलाके अलग अलग कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं जैनुलाबेदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी का मास्टर कन्वर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में जो ये दोनों अथॉरिटीज हैं, इसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि वॉल सिटी का प्लान भी एलडीए मास्टर प्लान में शामिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में मास्टर कन्वर्जन प्लान की मंजूरी के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से चीफ मेट्रोपोलिटन प्लानर एलडीए को मरासला जारी किया गया है, जिसमें वॉल सिटी अथॉरिटी ने जो वॉल सिटी का रीडेवलपमेंट प्लान है, फाइनल जो उसका ड्राफ्ट है, वो एलडीए को जमा करवा दिया है। इस फाइनल ड्राफ्ट में वॉल सिटी की जानिब से अंदरून शहर में रहायशी बहुत शुक्रिया आपका जैनुलाबेदीन।